सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इकबाल। देख रहे हैं अब शेफ 21। खुश आमदीद कहते हैं जितने दोस्त मौजूद हैं, सभी दोस्तों को सलाम टू ऑल ऑफ यू। और आई स्ट्रॉन्गली बिलीव, बल्कि हमने हर जगह बात की, आज एक मॉर्निंग शो में तो वहाँ भी हमने बात की, और ये बात सच भी है। कहते हैं कि जिंदगी के कुछ हसीन लम्हात, जिंदगी के कुछ हसीन लम्हात मोहब्बतों के साए में गुजर जाएँ तो अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वक्त गुजरता है हमारा आपके साथ, आपका हमारे साथ, रोज़ाना 6 से 7 लाइफ, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत हसीन साथ है। बहुत शुक्रिया आपके मोहब्बतों का, प्यार का, और साथ ही मज़े की रेसिपीज भी बनती हैं। आज का मेन्यू बहुत मज़े का जी, क्योंकि आज जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, चपाती नान जिसके साथ भी हम खाएँ, मज़ा आने वाला, बल्कि चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आज ज़बरदस्त एक ऐसा मेन्यू जो ना सिर्फ जायकेदार बल्कि आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बालों की ग्रोथ में भी इजाफा करें। रेसिपी शेयर करें जी आज दाल पालक की, ठीक है जी, दाल उसके साथ पालक, लेकिन बहुत चटपटा मसालेदार सालन बनाएंगे, चपाती नान जैसे भी इंजॉय करें। तो इसके लिए इंग्रीडियंट्स देख लीजिए कौन कौन से हमें रिक्वायर्ड होंगे, कुछ देर में आपकी कॉल्स भी लेंगे, तो पार्टिसिपेशन का सिलसिला बिल्कुल जारी है। चने की दाल हमने उबाल कर रखी है, उबाल कर ठीक है, चने की दाल। और जब भी बॉयल करें कोशिश ये की जाए कि बिफोर टू बॉयल इसे पानी के अंदर सोख करके रखा जाए ताकि ज़रा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है जी, फिर ईजिली बॉयल हो जाती है। बाकी अज्जा भी बताते हैं, पालक मौजूद है जी, पालक को हमने बॉयल नहीं किया आज, एज इट इज़ पालक इसके अंदर हमने, पालक एज इट इज़ बल्कि कच्ची ये पालक है, ये इसके अंदर हम बिल्कुल शामिल करेंगे, ठीक है जी। और पालक हो गई, चने की दाल बॉयल्ड मौजूद है, गरम मसाला पिसा हुआ, हल्दी पाउडर इसमें ऐड करना है, नमक भी शामिल करना है, चाट मसाला, लाल मिर्च पिसी हुई, अदरक लहसुन प्याज, तो एक बिल्कुल चटपटी इंशाल्लाह ये दाल पालक की रेसिपी शेयर करते हैं। तो ज़रा सी क्लीनिंग, और चूल्हा जला चुके हैं जी, इसे गर्म होने दीजिए पैन को, उसके बाद ये बाकी प्रोसेस आपके सामने हम शेयर करते हैं। ठीक है जी, प्याज जरा ज्यादा ऐड करें, बल्कि एक नहीं दो अदद हम बिग साइज की प्याज जो आज इसमें हमने शामिल कर दी है, ठीक है जी। तो पैन को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए, प्याज हम काट लेते हैं, पहले जरा छील लीजिए सिंपली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए, खैरियत से ना, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आज बहुत जबरदस्त डिश लेकर आए हैं आप। कौन सी डिश लेके आए हैं आज हम? पालक दाल लेकर आए हैं। लेकर आए हैं की दाल पालक भी आप बनाना सिखाइएगा। ये तो फिर वापस ले जाएंगे शो के बाद, कह रहा हूँ शो के बाद ये तो वापस ले जाएंगे हम, शो के बाद वापस ले जाएंगे ये जो अभी लेकर आए हैं आपके लिए। वो तो आप लोग एंजॉय करेंगे। हाँ सही, हम तो बस देख के रेसिपी सीख रहे हैं। हाँ जरूर ट्राई कीजिएगा, और कोई फरमाइश है आपकी तो बताएं। जी हाँ, आप ना ये मसूर की दाल में पालक बनाना सिखाइएगा, मसूर की दाल पालक। हम फ्राइडे को जो मलका मसूर होती है उसकी मुर्ग के साथ चिकन के साथ एक जबरदस्त बिरयानी बनाने जा रहे हैं, ठीक है जी। ओहो जबरदस्त। हाँ बहुत आला इंशाल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी आप रेसिपी लेकर आते हैं हमारे लिए।
आपके लिए ढेर सारी दुआएं। बस दुआओं की जरूरत है हमें आपकी। हमने दो दिन आपको बहुत मिस करा, आपका शो नहीं आता ना। जी जी, हमने भी आपको बहुत मिस किया। और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त शो जा रहा है आपका। शुक्रिया जी, थैंक यू सना, खुश रहे। फर्स्ट कॉलर में बनी हूँ आज आपकी ना। बहुत बहुत मुबारक हो आपकी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। क्विकली जी रेसिपी का आगाज करते हैं। प्याज सिंपली इस तरह स्लाइस कर लेना है। पालक, दाल पालक बना रहे हैं आज। दाल पालक की रेसिपी शेयर करें। और सवाल काफी इंटरेस्टिंग है जी, सवाल बताते हैं आपको। लेकिन पहले प्याज जरा काट लेते हैं। काटना मोहब्बत से काटनी चाहिए प्याज को। बाबा प्याज को भी सिंपली रखा और इस तरह से आपने से काट लेना। ठीक है जी, तो इस पैन के अंदर पहले हम प्याज ऐड करते हैं। ऑयल शामिल तो नहीं किया, पर पहले प्याज ऐड करें। दो अदद प्याज, प्याज जरा ज्यादा ऐड करें ताकि एक चटपटा सा सालन होगा तैयार, एकदम मसालेदार। ठीक है जी, प्याज देखिए अच्छी खासी दो अदद हमने शामिल की। और डेजर्ट जो मीठा आज बना रहे हैं, खोए वाली खीर बनाएंगे। कब, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं, लेकिन एक जबरदस्त होगी तैयार। इसी रोस्टेड हम अनियन के अंदर शामिल करते हैं ये ऑयल ऐड किया। 1 कप कुकिंग ऑयल। बात करें जी, रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। दाल पालक की प्रोसेस बिल्कुल जारी है जी। और फैजान तैमूरी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं महफिल में जी। थैंक यू जी। और प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेना, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हल्का जरूर ब्राउन करना, इससे इसकी मिठास खत्म होगी। दाल बॉइल्ड है, पालक ऐड करनी है, टमाटर शामिल करने, एकदम चटपटी मसालेदार। ठीक है जी, तो प्रोसेस जारी है। और ये बता सकते हैं अगले कॉलर जो भी होंगे कि इस डिश के साथ क्या होना चाहिए, नान या चपाती, क्या ख्याल है आपका? नान हो चपाती हो। इस वक्त प्याज यकीनन आंखें जला रही है, क्योंकि जाहिर है कच्ची प्याज से आपकी आंखों से यकीनन पानी छलकता है, लेकिन कुछ देर के बाद ये पक कर सेट हो जाएगी। ठीक है जी, और जब तक हम ये हो रही है, हम बाकी कुछ चीजें भी, बाकी वेजिटेबल भी काट लेंगे। प्रोसेस जारी है। ठीक है जी, और ये देखिए प्याज के साथ ही हम कुछ वेजिटेबल भी काट लेते हैं। ठीक है, प्याज के साथ ही हम कुछ ये वेजिटेबल भी काट लेते हैं जो इसमें हमने ऐड करनी है। तो पालक, लेकिन पालक से पहले हम टमाटर शामिल करेंगे। ठीक है जी, पालक से पहले टमाटर और उसके बाद हमने पालक भी ऐड करनी है। क्या कहते हैं, पहले पालक ऐड करें टमाटर? चलिए पहले पालक भी काट लेते हैं। ठीक है जी, दाल पालक प्रोसेस जारी है। आप मौजूद हैं हमारे साथ, हम आपके साथ मौजूद हैं। एक जबरदस्त मीठा भी बनाना है, कॉल्स का सिलसिला जारी है। और यकीनन अच्छा लग रहा है आप सबके साथ। पालक अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। ठीक है, धोने के बाद इस तरह सेट किया। पालक में ज़्यादा आयरन है तो बालों के लिए भी अच्छी है। पावरफुल वेजिटेबल है, ताकतवर सब्जी है। और इस तरह से काट लेना है। रफ चॉप करें जी, फाइन चॉप इस वक्त नहीं किया। इसकी डंडी आउट करते हैं। और मौजूद हैं अनीका, बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अनीका, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताइए, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक अनीका, खुश मजे में। क्या कहेंगी आप? जी आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत सब हम लोग बहुत शौक से देखते हैं। आज आप जो दाल और पालक बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छी लग रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अनिका, इसके साथ क्या होना चाहिए, चपाती या फिर नान? जी, और आपका ये सेट भी बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्रॉकरी का सेट है सारा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, सही कह रही है। मेहनत की हमारी टीम ने। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। प्याज के साथ ही अदरक लहसुन पिसा हुआ इसी के अंदर ऐड करते हैं, 3 चम्मच लगभग।
दाल पालक एकदम मजे की बनेगी, चटपटी बनेगी। प्याज अदरक लहसुन बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना, हल्का ब्राउन करना, हल्का ब्राउन करने के बाद यहां पर जो हमने ये पालक को चॉप करके रखा है, ये पालक हम इसी के अंदर ऐड करते हैं। दाल ऑलरेडी बॉइल्ड है तो जरा मेहनत इसमें होगी, ठीक है। प्याज के बाद इसमें पालक ऐड करते हैं जो काट कर रखी है स्पिनच। पालक हमने शामिल की इसी के अंदर। और सवाल बहुत सिंपल है जी, मेरे ख्याल से ज्यादा कॉल सब नहीं लेंगे, 3 शायद और कॉल लें, लेकिन सवाल इतना सा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पालक बन रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली वेजिटेबल कौन सी है, कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा खाई जाती है। जवाब दे रहे हैं, प्रोसेस जारी है, पालक की हो रही बुनाई, पार्टिसिपेशन का सिलसिला बिल्कुल जारी है जी। और साथ ही टमाटर भी काट देते हैं, वॉश करके रखिएगा जो जरूरी है। नूर जहां मौजूद है जी, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नूर जहां कैसी हैं आप? दुआ है बेटा आपकी, मैं बहुत टाइम बाद आपको कॉल करी हूँ आज जी, बहुत टाइम बाद आज आपको कॉल करी मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ऐसा लग रहा है काफी अर्से के बाद किया है, कुछ गेस्ट आए हुए थे बाहर से, हम लोग बहुत बिजी थे ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सेट बड़ा अच्छा बर्तन उससे सजाया और इतने खूबसूरत बर्तन लग रहे है ना, सेट जो आपने सजाया है ना पीछे, जी जी वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बर्तनों से बर्तन काफी खूबसूरत है। जी जी बिल्कुल, ये विलमैक्स की क्रॉकरी है नूरजहां जी। अच्छा किसकी? विलमैक्स, 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 ये बहुत खूबसूरत है भाई बर्तन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है और बहुत जबरदस्त है वाकई, देख रहे हैं हम टीवी पे, ये शादियों में भी दे सकते हैं। सब कितने अच्छी डिजाइन वाले बर्तन, बहुत अच्छे लग रहे हैं। नूरजहां आपने अपनी शादी के बर्तन संभाल के रखे हैं मैडम अलमारी के ऊपर? अभी काफी टाइम रखे, अभी बहुत सी चीजों में चेंजेस आ गए ना बर्तनों में भी, हमारे टाइम पे जो बड़े बड़े बर्तन लेते थे अभी वो नहीं है, अब थोड़े चेंज आ गए। आपके टाइम में क्या देते थे शादी में? क्या बर्तन जो है असल जो है वो असल ही है। आपके जमाने में क्या शादी में कौन से बर्तन देते थे? बस अलग ही होता था बिल्कुल, अभी आज वो नहीं बड़े बड़े है वो होते थे हांडी पानी जिसमें बनते है, उसकी जगह कूलर ने ले ली, बहुत सी चीजें चेंज हो गई, पानी की हांडी और टंकी देते थे, स्टील की टंकी, मटके उस टाइम पे तो शादी में तो नहीं लेते लेकिन घर में मटके और हांडे और ऐसा था, अभी वो सब नहीं है रिवाज नहीं, अभी तो सब कूलर और बोतलें, आजकल तो सीधा सीधा बोतल आ जाती पानी की। लेकिन मटके में पानी पीने का मजा है, मजा ही कुछ और है, सही बात बोल दो, उस टाइम का खाने में भी वो मजा कुछ और था, लेकिन आज आप जो पका रहे हो चने की दाल, जी 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 नूर, चने की दाल के साथ पालक पका रहे हो ना? जी जी। तो इसमें सोया नहीं डालोगे? सोया, सोया वाली नहीं, ब्राउन प्याज वाली है ये? नहीं नहीं, सोया आप चाहें तो पालक के साथ ऐड कर लें, लेकिन अभी हम शामिल नहीं कर रहे क्योंकि रिसेंटली हम वो मतलब कि वो ब्राउन ब्राउन दाल पका रहे हो कि कच्ची प्याज वाली? नहीं नहीं, ये नॉर्मल प्याज है, नॉर्मल प्याज वाली, राइट। बहुत चने की दाल का जायका बहुत अच्छा होता है वैसे भी। हाँ पालक के साथ, लेकिन एक बात बताओ नूरजहां, जो घरों में आप बनाते हैं ना, और तो जरा सा डिफरेंट तरीका होता है, हम लोग जो बनाते हैं ये मर्द हजार रेस्टोरेंट होटल वाले, फर्क होता है तरीके में हमारे। अच्छा अच्छा। हाँ देखिएगा आपको कुछ चीजें अलग नजर आएंगी। वो इसकी बिरयानी हम बनाते हैं, पता है चने की दाल की बिरयानी इतनी बेस्ट बनती है जैसे गोश्त की बनती है, उसी तरह की बनती हो। क्या बात है। अच्छा नाम किसने रखा आपका? अम्मी अबू दोनों मिलके रखे। क्या अम्मी अबू ने? दोनों ने। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। और कैसा है बेटा, ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, खुश रहो, थैंक यू। जैसे जैसे पालक की बुनाई का सिलसिला जारी है, पालक इतनी थी कम हो चुकी है, श्रिंग होती जा रही है, ठीक है जी। जाहिर मॉइस्चराइजर, टमाटर को काट रहा हूं स्लाइस, लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक, लाइन हो चुकी जी, लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए शॉप 21। Thank you.
वेलकम बैक टू अवर शो, खुशामदीद कहते हैं। दाल पालक का सालन बना रहे हैं जी, आपकी मौजूदगी का सिलसिला बिल्कुल जारी है। टमाटर स्लाइस काट रहे हैं, प्याज अदरक लहसुन पालक की बुनाई हुई, उसके बाद स्लाइस कटे हुए टमाटर शामिल करते हैं पालक के अंदर। एक कॉलर बहुत देर से इंतजार कर रही है, उनसे बात करना जरूरी है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दिलशाद। सलाम शेफ, कैसे हैं आप? दिलशाद मैं ठीक हूँ जी, आप बताइए कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से। सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके सेट की तारीफ करना चाहूँगी कि आपकी ये जो क्रॉकरी रखी हुई है माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया दिलशाद जी। और जब भी आप अपना ये सर्व किया करें डिशेज को तो इन्हीं बर्तनों में करें आप। ओके मैडम, जैसे जो आपका हुक्म, आपका हुक्म सर आंखों पे। अच्छा, सवाल का जवाब ये देना था कि सबसे ज्यादा आलू जो है वो खाए जाते हैं, क्या आपको आलू पसंद है? आलू तो सभी की पसंदीदा डिश है। अच्छा अच्छा ठीक है जी, आपका जवाब आया जी। लेकिन कुछ लोग डिफरेंट जवाब दे रहे हैं। नहीं नहीं, आलू प्याज भी और भी काफी चीजें जो बहुत यूज होती हैं। जी जी वो तो होती हैं, ऐसे तो प्याज है अदरक लहसुन है, लेकिन आलू जो है वो सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। आलू प्रॉपर, ठीक है जी। और आपसे बात करके हमारा दिल भी शाद हुआ। जी जी थैंक यू, दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह साथ है जी, साथ है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत दिलशाद मौजूद थी और क्विकली अब हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, वक्त बहुत कम है जी। स्पाइसेस देखिए क्या क्या हमने ऐड करने हैं इसके अंदर। देखिए बुनाई का सिलसिला जारी, और आई डोंट नो जो खवातीन औरतें जो घर में बनाती हैं दाल पालक, ज़रा डिफरेंट मेथड होता है। हम जो बनाते हैं वो शेफ जो रेस्टोरेंट होटल में काम कर चुके हैं या जिनका प्रोफेशनल शेफ, उनका ज़रा सा डिफरेंट तरीका होता है। लोग कहते हैं ना कि घर का खाना अलग और रेस्टोरेंट का अलग होता है, हमारा तरीका डिफरेंट ही होता है। ठीक है, तो अगर आपके तरीके से डिफरेंट हो तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है। तो स्पाइसेस पहले हम शामिल कर लेते हैं। नमक हसबे जायका, वो अज्जा जहां से जायके का आगाज हुआ। हल्दी पाउडर एक चम्मच, जरा चटपटा बनाएंगे ये बात आपको वाजे कर दें। लाल मिर्च पिसी हुई एक चम्मच, जरा सी और इसमें ये शामिल की। चाट मसाला गरम मसाला बाद में कर रहे हैं बुनाई, और ज्वाइन कर चुकी हैं जी सदफ साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। सदफ कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने कराची से किया। अच्छा, शेर कराची। जी जी कैसी हैं आप? घर ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों शेफ आप भूल गए क्या? नहीं नहीं, मुझे लगा कोई कोई मतलब कहीं और से भी तो हो सकता है ना, पाकिस्तान। मैं तो आपकी इतनी पुरानी कॉलर हूँ, कब से आपका शो देख रही हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन ये कि ये मैंने कहा हो सकता है कि किसी और शहर से भी हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। बाकी मुझे ये कहना था कि ये आप दाल पालक बना रहे हैं, मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि पालक दाल बहुत मजेदार लगता है। लेकिन आप जो बना रहे हो वो चने की दाल में बना रहे हो, मैं जो बनाती हूँ वो मूंग की दाल में बनाती हूँ। तो आप मूंग की दाल में बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दाल चेंज कर सकते हैं आप। हाँ वो तो कर सकते हैं, लेकिन बता रहे हैं उसमें भी बहुत मजे का लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या जवाब है आपके पास? दुनिया में ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? आलू है। आलू जी, वो एक वाहिद सब्जी है मासूम सी जो बहुत ज्यादा खाई जाती है। क्योंकि आप देखें कि प्याज का इस्तेमाल भी होता है, अदरक लहसुन भी है, और अब बाकी कंट्रीज में जाएं यूरोप अमेरिका, वहाँ और भी सब्जियां काफी खाई जाती हैं। लेकिन आलू भी एक ऐसी सब्जी है जो हर जगह ही खाई जाती है और बड़े शौक से खाई जाती है। ठीक है जी, ठीक है जी, आपका जवाब नोट कर चुके हैं हमारी टीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये मरहला बहुत जबरदस्त एंजॉय करने वाला भी है, मजे का भी है। ये देख रहे पालक का टेक्सचर, ये वो मसाला है जो चपाती नान दोनों के साथ अच्छा लगता है। और बुनाई का सिलसिला जारी रखिए, मिक्स इन वेल, ताकि प्रोसेस का मजे का जारी हो। कुछ इसमें साबित ग्रीन चिली ऐड करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद जर्मन चिली ऐड करें। ठीक है, इनफैक्ट जर्मन चिली बिग वाली जो जो बड़ी वाली हरी मिर्ची होती हैं, ये भी हमने इसमें शामिल करनी है कुछ देर के बाद। और नूर जहाँ ने कहा कहीं धनिया तो मेथी तो शामिल नहीं करें, लेकिन ये ग्रीन कोरिएंडर शामिल कर रहे हैं इसके अंदर धनिया। लेकिन इस वक्त दो बंच मौजूद है हमारे पास, बल्कि तीन मौजूद है। ये दो धनिया नॉर्मल है, लेकिन ये वो धनिया है जिसके पत्ते हम यूज कर चुके थे, इसके सिर्फ स्टिक्स दाने, ये डंडियां इसकी सिर्फ, बट वॉश्ड है परफेक्टली। देखिए ये हमने ऐड करनी है, और इसका
एक बहुत मजे का फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो इसकी डंडियां धनिये की जो हमने बचा कर रखी थी, हमने प्रिजर्व करके रखी थी, उन्हें हम कर लेते हैं चॉप। जवाब देते रहिए कौन सी सब्जी ज्यादा खाई जाती है, और धनिये की डंडियों को इस तरह से चॉप कर लीजिए, प्रोसेस जारी है। इमली की खटास भी शामिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आखिर में तो ये धनिये की डंडियां भी हमने इसी के अंदर शामिल करें जी, ये देखिए आप, और इसे भी भून लीजिए अच्छी तरह से, इसे भी भून लीजिए बहुत अच्छी तरह से। वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा जी, सिर्फ 2.5-3 महीने बाकी हैं माह रमजान को भी, तो देखिए वक्त कितनी तेजी से गुजरता जा रहा है। बुनाई जारी रखिए ठीक है, उसके बाद एक जबरदस्त एक मीठा भी बनाएंगे इंशाल्लाह। वो मीठा कैसा बना रहे हैं, जिसमें खोए का इस्तेमाल काफी होगा, खोए का भी दूध का भी, खोया खीर लेकिन बिल्कुल डिफरेंट, खोए का डिजर्ट बना रहे हैं एक जो डिफरेंट सा, बट हमें यकीन है आपको पसंद आएगा। बस सरफेस पे लगे ना इस बात का खास आपने ख्याल रखिएगा। उसके बाद यहां तक पहुंचने के बाद जो ये चने की दाल जो बॉइल रखी है, पालक टमाटर स्पाइसेस की भुनाई हो चुकी है, उसके बाद ये चने की दाल भी इसी के अंदर ऐड करते हैं ताकि ये भी जबरदस्त अंदाज में पकती जाए इसके अंदर। तो चलिए शामिल करते हैं ये बॉइल्ड चने की दाल उबली हुई, और चने की दाल को भी कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स। टोप पर ले आइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन और कहां से बात कर रही हैं आप? मिसेज हसनैन कराची से बात कर रहे हैं। मिसेज हसनैन कहां हैं इतने दिनों से आप? जी मैं काफी दिनों से कॉल कर रही हूं लेकिन मिल नहीं रहा था। काफी दिनों से कॉल कर रही हैं आप लेकिन कॉल नहीं मिल रही थी आपकी? जी जी हाँ। चलें फाइनली मिल चुकी है, और ये पसंद है आपको ये दाल पालक? जी जी बहुत जबरदस्त। अभी मैं जरा नमाज पढ़ रही थी उसके बाद आई हूँ तो अब मैंने आप देखा है। क्या बात है जी, एक हमारी शेफ हैं पाकिस्तान की बहुत अच्छी, मेरी उनसे बहुत अच्छे तालुकात बल्कि दोस्ती है हमारी, नाहिद आपा, नाहिद अंसारी साहब आप नाम है देख। हाँ हाँ नाहिद अंसारी बहुत, उनसे आवाज आपकी मिलती है मुझे लगता है। अच्छा। उनसे बात करो। हाँ नाहिद अंसारी ऐसे हमारे खानदान में से हैं। आपके खानदान में से हैं? जी जी। तो अंसारी हैं आप लोग भी? नहीं हम अंसारी तो नहीं है। अच्छा अच्छा, शादी हुई है हमारे। अच्छा अच्छा, हम खान हैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, लेकिन आपका बोलने का अंदाज उनकी तरह मुझे लगा, क्योंकि उनसे मेरी बात होती है तो ऐसा लगा था सब। अच्छा आपने उस दिन वो बनाया था ना कुन्ना पाया? जी जी। मुझे जरा ऑन एयर बता देंगे कि क्या? मैंने देखा नहीं था। जी जी बता देते हैं बता देते हैं। अच्छा मिसेस हसनैन हमने पूछा है कि कौन सी सब्जी ज्यादा खाई जाती है दुनिया में? क्या आलू? आलू ठीक है, जवाब आ चुका आपका सही। थैंक यू ठीक है जी, और ये बुनाई जारी रखिए बल्कि जरा चख लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ट्रिकी पॉइंट भी है, चले फाइनलाइज करते हैं क्योंकि हमें डिजर्ट भी बनाना है। पिसा हुआ गर्म मसाला इसी के अंदर आधा चम्मच, ये टॉप पर ऐड करना है, पहले बुनाई नहीं करनी सिर्फ खुशबू के लिए। चाट मसाला इसमें ऐड करना है, बिल्कुल ऐड करना है। नींबू की खटास या इमली की खटास भी आप शामिल कर सकते हैं कुछ देर के बाद। कुछ मिर्चें इसी के अंदर ऐड कर रहा हूं जी, 1, 2, 3, 4, 5 इतनी काफी है, क्या कहते हैं आप? काफी है जी, चलें ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं और मिर्ची, तो चलिए एक और शामिल की। अब ये मिर्चों का भी एक अच्छा फ्लेवर इसके अंदर अच्छेगा, और ये मिक्सड वेल परफेक्टली, चाहे तो कोयले का दम, चाहे तो आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। जिनको क्रीमी खाने पसंद है आप चाहे इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं ठीक है। तो इसी तरह आप इनोवेशंस भी होती हैं, और इस तरह न्यू रेसिपीज क्रिएट भी होती हैं। प्रोसेस जारी बल्कि चख ले, मेरा दिल चाह रहा है चख लिया जाए ठीक है जी।
फेसबुक की दुनिया में है तो जरूर ज्वाइन करें, शेफ 21 के नाम से पेज है हमारा, मुझे अब तलाश कर सकते हैं इकबाल शाह के नाम से। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान में, इसके अलावा न्यू जर्सी अमेरिका से मौजूद है अनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का। पर क्योंकि बाहर बहुत से लोग देख रहे होते हैं ये कुकिंग शोज, रेडियो भी बहुत से लोग सुन रहे होते हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो जरा चख लेते हैं जी, बहुत आला, चटपटा, मसालेदार, लेकिन आपका इकबाल चाहेगा कैसे जरा सा और चटपटा करें, तो इसके लिए सोल्ट मुझे जरा सा कम लगा, नमक जरा सा कम लगा, जरा सा नमक, जरा सी मिर्चों की तेजी, लेकिन यहां पर कुछ ट्रिकी चीज कर रहे हैं, आपको बताते हैं क्या करना है। जरा सा कुकिंग ऑयल भी ऐड किया, और एक और चीज जो जरूरी भी है और आई थिंक एज अ पाकिस्तानी विल लव इट, जो ऐड करने जा रहे हैं कुछ मिर्चों को चॉप करके ऐड कर रहा हूं, ठीक है जी। वैसे इस रेसिपी का हिस्सा नहीं थी लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे खास मजा आएगा। नींबू की खटास आखिर में ऐड करेंगे, कुछ मिर्चों को चॉप करके ताकि आप नान के साथ बाइट लेंगे तो इसका मजा जबरदस्त खटास चटपटा होगा, पर ये मिर्चों की तेजी एक खास फ्लेवर लाएंगे, विटामिन सी भी है जी। तो तीनों मिर्चों को एक साथ रखा है यहाँ पे, और एक साथ तीनों सभी मिर्चों की देते हैं कुर्बानी, बल्कि मिर्चें अपनी कुर्बानी दे रही हैं, देखिए ठीक है जी। 1, 2, 3, 4, 5 मिर्ची ये रखी, और उसके बाद इस तरह अच्छा इस वॉश कर लीजिएगा, जरूरी है जी, ठीक है जी, वॉश कर ली और मिर्ची यहां रखी, और मिर्चों को हम कर लेते हैं जरा सा ये चॉप, ठीक है जी, मिर्चों को कर लेते हैं चॉप। ठीक है जी, और ये तेज मिर्चें भी ऐड करते हैं इसी के अंदर जी, और आपसे लेंगे इजाजत वक्फे की, वक्फे के बाद ये रेसिपी भी और खोए का एक ऐसा मीठा जो हमने फर्स्ट टाइम इस महफिल में शेयर करेंगे आपके साथ, शेयर करते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए शेफ 21। मिर्ची ऐड करें जी इसी के अंदर, वेलकम बैक टू आवर शो, खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन ये हमारी रेसिपी बिल्कुल हो चुकी है तैयार। तो चलिए बहुत ही खास दाल पालक को निकाल लेते हैं जी, वाइट विल मिक्स के बहुत ही खूबसूरत क्रॉकरी के अंदर, प्लेट के अंदर, ये बल्कि प्लेटर के अंदर, देखिए जरा दाल पालक हो चटपटी मजे की, मजा ही इसका अलग होता है जी। नान चपाती इस पर आज कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, जो दिल करता मंगवाइए, इंजॉय कीजिए, पावरफुल है, चाहे सर्दियों की शामें हो या गर्मियों, मजा उतना ही आता है, ठीक है जी। चाहे सर्दियों की शामें हो या हो गर्मियां, तो खाने में मजे का हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। तो ये मिर्चे देखिए, जर्मन चिली भी अड़की,
और यहाँ पर कुछ ये ग्रीन चिली जो चॉप रखी है ये भी इसी के अंदर हमने शामिल की, और ग्रीन चिली के साथ साथ चाट मसाला इस तरह से स्प्रिंकल करना है। चाट मसाला भी देखिए, लुक एट दिस, चाट मसाला इसी जरा और मजे का बना देगा। ठीक है जी, इसे रखते हैं यहां, और इसके साथ ही लेमन, नींबू एक अदद लेमन, लेमन के रिंग्स हमने यहां रखे, और बाकी लेमन जूस टॉप पर ऐड करते हैं जिस तरह से लेमन जूस ऑन द टॉप ऑफ दाल। देखिए नींबू का जूस भी ऐड कर रहे हैं। मंजूर इलाही आ चुके हैं, उनसे करते हैं हम इस वक्त बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, मंजूर इलाही खोन शेफ के 21। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जारा गया हुआ था वहाँ पे और फ्राइडे को बड़ी कोशिश की कि मेरी बात हो जाए, फिर वो वाइफ भी बात करना चाह रही थी पर नहीं हो सकी, कोई बात नहीं, तो अभी आ गया हूँ इस्लामाबाद। क्या बात है, कौन सी वाइफ, पहली वाइफ या दूसरी बीवी? अभी दूसरी के पास आया हूँ, पहली के पास गया हुआ था फ्राइडे को ना। तो दूसरी के पास ही होते हैं, पहली के पास तो बहुत कम जाते हैं आप। नहीं नहीं जाता हूँ ना, हफ्ते में दो दिन बाद जाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से देखे आज भी माशाल्लाह सेट हमारा खूबसूरत लग रहा है, इतने खूबसूरत ये क्रॉकरी के साथ इन बर्तनों के साथ है, बहुत प्यारा, तो मेरे लिए भी तो कुछ निकाले उसमें से अच्छी सी चीज। जी बिल्कुल मंजूर भाई, कीजिए मजा आएगा। तो बिल्कुल मैं ताकि मैं के करके ना मैं ले लूंगा, मैं क्योंकि इधर मुझे मिलते तो क्या कह रहे क्या ना? क्या फरमा रहे हैं आप? क्राकरी, क्राकरी जो है ये माशाल्लाह से आप वाली बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। जी जी बिल्कुल तो, ऐसा ही है मंजूर भाई माशाल्लाह। हाँ तो मैं तो हमारे यहाँ हरिपुर और इस तरह इस्लामाबाद की तरफ इनका नहीं है तो, मैं क्या मैं वहां से। जी जी मंजूर भाई मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी। हेलो गए, बहुत शुक्रिया हमारे हजारा के दोस्तों का, हरिपुर इस्लामाबाद। लास्ट 5 मिनट के अंदर एक जबरदस्त मीठा करना है तैयार, किस तरह देखिएगा। इस फ्राइंग पैन के अंदर खोया ऐड करें जी, कितना क्या खोया क्या पाया, एक पाव खोया, एक पाव है ये, एक पाव हमने खोया शामिल किया इसके अंदर, एक पाव। ठीक है जी, और खोए के साथ ही एक चाय का चम्मच घी शामिल कर रहा हूं या उससे भी कम। खोया, घी शामिल की, सब्ज़ इलायची के दाने आपने खोल कर इसी के अंदर शामिल करना, एक दो तीन चार पांच छह अदद सब्ज़ इलायची। चूल्हा जरा तेज रखिएगा, और खोए की करनी है भुनाई। खोए के साथ ही ऐड करते हैं चीनी भी। कितनी चीनी ऐड की? आधा कप, हाफ कप। खोया, इलायची और चीनी की करनी है भुनाई, जिस तरह हम कलाकंद के लिए करते हैं। कॉन्टिन्यूसली भुनाई जारी रखनी है ताकि चीनी का ये चीनी सरफेस पे लगेगी तो ये कालापन आ जाएगा, कैरामलाइज हो जाएगी, जो कैरामलाइज नहीं करनी हमें। ठीक है जी, खोया, इलायची और चीनी की करो ये भुनाई, प्रोसेस जारी, इख्तितामी लम्हात। दुनिया में ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी कौन सी, अब जवाब भी दे रहे हैं, प्रोसेस जारी है, और कीजिए भुनाई। बहुत मजे की साइलेंस, बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है जैसे कि आप देख रहे हैं। चीनी का दाना बिल्कुल खत्म कर लें आप, ये देखें ये ब्राउन कलर जो हुआ है खोए की वजह से नहीं, वही चीनी की वजह से ब्राउन हो चुका है ये। आपने देखा होगा सिंध में बास जो जगहों में हलवा भी मिलता है ये खोए वाला, देखिए ये ब्राउन जो हुआ है चीनी की वजह से ब्राउन कलर आया। उसके बाद जरा जरा सा दूध ऐड करना है इसके अंदर, बहुत ज्यादा नहीं, 1 कप दूध ऐड किया। कितना वक्त है,
ठीक है जी, वन कप और हमने दूध ऐड किया, तो एग्जैक्टली कोई दो कप हमने दूध ऐड किया और इसे पकने दीजिए। बहुत हेल्दी है, सारे दूध भी प्रोटीन है और खोया भी प्रोटीन है, इलायची। तेज आंच पर से पकने दीजिए जरा सा, ठीक है जी, जितना पकेगा उतना अच्छा इसका फ्लेवर भी आएगा। रिमूव करते हैं बाकी चीजों को, घी भी हटा चुके हैं जैसे कि आपने देखा, और चार मसाला भी हमने यहाँ रखा। ये देखें, ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है। खोया बिल्कुल ये एक तरह से डिसॉल्व हो चुका है, खत्म हो चुका है इसके अंदर, खोया दूध के अंदर मिल चुका है। ठीक है जी, खोया देखिए दूध के अंदर मिल चुका है। खोया दूध के अंदर देखिए ये बिल्कुल, और इसके साथ ही कुछ बादाम पिस्ते भी कर लेते हैं चॉप। वक्त बहुत कम है जी, उसके बाद इजाजत भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मौजूद होते हैं। ठीक है जी, बॉइलिंग पॉइंट पर कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो इसे हमने जरा उठाया और से लेट इट कुक। खोया खीर भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये अलग ही चीज है। इसमें हमने कोई चावल ऐड नहीं किए, ना कोई थिकनिंग एजेंट ऐड किया, ये खोए से थिक हो रहा है और ये होता जाएगा देखिए। और इसका फ्लेवर एक अलग ही मजा होगा, बल्कि आपको चक्कर जरा बताते हैं। गरम होगा एहतियात से। खोया चीनी कलाकंद होता है, लेकिन दूध ऐड की डिफरेंस जायका इसका। दोस्तों इसका जायका बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग, कह रहा इकबाल समझे, बिल्कुल अलग है, ना खीर है ना कलाकंद, एक बिल्कुल नया नायाब जायका इसका। खोया खीर इसका नाम है और ये हो चुका है तैयार। मिट्टी के बर्तन में भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन इन दो प्लेट्स के अंदर हम निकालेंगे। ये देखिए जो मौजूद है, ठीक है जी, जरा सी क्लीन भी कर लेते हैं और इन प्लेट्स में आप चाहें तो मिट्टी के उसमें भी निकाल सकते हैं, वेलमैक्स की, तो बहुत ही खूबसूरत। ये खोया खीर हमारा, ये देखिए निकाल लें इसके अंदर। एक ही में आ चुका बल्कि, ठीक है जी। और जैसे कि कहा, ना कलाकंद है ना हलवा है ना खीर टाइप का है, बिल्कुल ये डिफरेंस है इसका जायका। कुछ बादाम पिस्ते चौक टॉप पर ऐड किए, जरा सा चांदी का वर्क, लेकिन खाइएगा नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल होटल रेस्टोरेंट में भी लोग ये ऐड नहीं करते, सिर्फ गार्निश के लिए ऐड कीजिए। तो ये खोया खीर, दाल पालक और ये भी हो चुका। अच्छा, मिसेस हसनैन ने कहा कि कुन्ना पाया कैसे बनाया था हमने, कुन्ना पाया जो हमने बनाया था जी, उसके लिए पाए उबाल कर रखे थे, पोर्ट के अंदर हमने प्याज अदरक लहसुन पाए ऐड किए, स्पाइसेस ऐड की, बुनाई रखी, उसके बाद वो यखनी जिसके अंदर पाए उबाले थे वो भी शामिल किए, पकने दिए अच्छी तरह से, आखिर में हमने आटा लाल भूनकर एज इट इज पानी के अंदर डिसॉल्व करके ऐड किया, धनिया पुदीना अदरक नींबू ऐड किया था। ठीक है जी, क्विकली आपको बताया, बहुत शुक्रिया, ज़रूर ज्वाइन करें, खुश रहें, शादाबाद रहें। 6 से 8 इंशाल्लाह नंबर 1 FM 103 की मुलाकात होगी, देखते रहिए K21 न्यूज़, और दुरुस्त जवाब आलू ज्यादा खाया जाता है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।